कश्मीर की सुंदर वादियों को जिसने अंगारों से भर दिया हो, वह भी ये धर्म विशेष के ही लोग थे। जन्नत को जहन्नुम बनाने का यह सफर रुकना चाहिए और इसके लिए राजनीतिक नेतृत्व को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, लखनऊ। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी को सुना कि क्या कहा उन्होंने। हमारे साथ दीपक जी हैं। दीपक जी, शुरुआत आपसे करता हूं कि 19 जनवरी 1990 को जो काला अध्याय लिखा गया, उस समय क्या हालात कश्मीर के थे? आप कहते हो कि आप भी उस समय कश्मीर में थे और उम्र ऐसी थी कि जो चीज़ें हैं वो याद हैं अभी तक। तो क्या लगता है, क्या हुआ था उस समय कश्मीर में? फिर उसके बाद हम हर्ष जी और रईस जी से बात करेंगे। देखिए, 88 से धीरे धीरे उन्होंने टेररिज्म को शुरू किया, कुछ लोगों का को मारा 88 में, और हम लोग तब यही समझते थे कि चलो कुछ को मारा, हमें नहीं मारेंगे। ये हम लोगों की एक धारणा होती है कि चलो उनके साथ हुआ, हमारे साथ नहीं हुआ। फिर टीका लाल टपलू जी को मारा, एक बहुत प्रोमिनेंट फिगर थे वहाँ के, जाने माने हस्ती थे। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कोई किसी हिंदू को मारेगा तो सबसे पहले मुझे मारे जी, और उनको मार दिया गया। फिर धीरे धीरे होता ये गया कि ये घटना सिर्फ सितंबर, 14 सितंबर को उनको मारा गया। उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बहुत क्रिटिकल हो गया, और जनवरी में, 19 जनवरी के दिन हम लोग जम्मू छोड़ के भागे, कश्मीर छोड़ के जम्मू आ गए थे।